चलो यस हेलो एवरीवन तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज हम वन मार्क के जो क्वेश्चन है ठीक है वन मार्क के क्वेश्चन उनको टारगेट करने वाले हैं ठीक है चलो यस yes. तो आपको पता है टाइम बहुत कम है अब कैसे पढ़े सर अब तक तो हमारा कुछ पढ़ के नहीं हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं तो ध्यान में रखना है सेक्शन ए जो है ठीक है हम आज जो है स्पेशली सेक्शन ए को टारगेट करने वाले हैं ठीक है सेक्शन ए को टारगेट करने वाले यहाँ पे मैं लिखता हूं सभी स्टूडेंट्स को एक बार आप जुड़ने हम देते हैं बाद में लेक्चर शुरू करेंगे लेक्चर मतलब मैं आपको बताऊंगा कि वन मार्क के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो कौन सा हम सेक्शन टारगेट करने वाले हैं तो सेक्शन ए ठीक है हाँ सर तो सेक्शन ए टारगेट करने वाले हैं। आपको एक बात बता दूं कि सेक्शन ए के ऊपर जो है वो वन मार्क के सवाल पूछे जाते हैं कितने मार्क के सवाल आते हैं इस सेक्शन ए के ऊपर तो वन मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं सर ठीक है तो यह, यहां पे मैंने लिख दिया वन मार्क्स क्वेश्चन और कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं तो अठारह मार्क के लिए कितने मार्क के लिए अठारह मार्क के लिए अठारह मार्क यस तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या किया है आपका वन मार्क क्वेश्चन टू मार्क क्वेश्चन थ्री मार्क क्वेश्चन एंड फोर मार्क क्वेश्चन सबके लाइव सेशन हम लेने वाले हैं आज वन मार्क सेशन लेने वाले हैं सेक्शन ए के अंदर कि वो कहाँ से पूछे जाएंगे यही से पेपर आने वाला है मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ सिर्फ आपको क्या करना है आपका बुक निकालना है ठीक है सो क्लास ट्वेल्व बायो का बुक निकाल लीजिए आपने बुक एक बार निकाल लिया तो मेरे साथ जुड़ जाइए अब हम देखेंगे वन मार्क के सवाल कहाँ से आएंगे वन मार्क के सवाल जो है वो अठारह मार्क के लिए पूछे जाते हैं कितने मार्क्स के लिए अठारह मार्क्स के लिए और अगर आपने ये वीडियो अंत तक पूरा देख लिया तो आपने अठारह मार्क्स आपके कवर कर लिए युग कह रहे है कि सर डायग्राम तो डायग्राम का भी वीडियो आएगा डोंट वरी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर तो डायग्राम भी आपको मिल जाएगा डोंट वरी उसके लिए तो चलो शुरू करें फिर बताओ सभी चार्ट बॉक्स में आपको बताना है सर बॉक्स में शुरू करें चलो यस yes, चलो अब हम सेक्शन ए के जो वन मार्क के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं पूछे जाएंगे वो कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बताता हूं ठीक है यस हाईलाइट करता हूं मैं हर एक चीजें जो आपको वहां पर ध्यान में रखना है चलो शुरू करते हैं yes. यस अब देखो जिनका अब तक कुछ पढ़ के नहीं हुआ है उनसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है अब तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो हम ये जो वन मार्क टू मार्क थ्री मार्क एंड फोर मार्क के लाइव सेशन लेने वाले हैं जहां से क्वेश्चंस निकल के आएंगे इस साल वो देख लो फिर ठीक है एक बार वो देख लो चलो देखो अठारह मार्क के सवाल आते हैं इसमें से दस मार्क्स के एम सी क्यू होते हैं ठीक है थीके? और अठारह ऊपर के जो आठ मार्क्स है वो वन वन मार्क्स के आठ सवाल होते हैं तो एक चीज आपको समझनी है कि आपको दस पूछे जाएंगे एम सी क्यू दस मार्क्स के लिए और आठ आपको पूछे जाएंगे वन मार्क्स क्वेश्चन समझ में आ रहा है हाँ सर तो आठ होंगे सर वन मार्क क्वेश्चन और दस होंगे सर एम सी क्यू तो ये एम सी क्यू कहाँ से आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ चलो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपका चैप्टर जो है वो वन से स्टार्ट करते हैं ना हाँ सर तो सबको क्या करना है बायो का किताब सामने रखना है मैं जो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको हाईलाइट कर लेना है वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे ठीक है नहीं क्योंकि एक्सपीरियंस से वो पता होता है कि हाँ यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं देखो सबसे चीज़ पहली तो जो भी आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल्स है वो थोड़ा आप याद रख लो ये सी में भी आपको हेल्प करेगा जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होता है क्लाइमेटमोनास के अंदर बडिंग किसके अंदर होता है तो ये तो ये तो ईजी है है ना बडिंग वाला एकदम ईजी है उसके बाद फ्रेगमेंटेशन स्पायर वगैरह के अंदर होता है तो ये ऐसे सवाल आता है चलो ये हो गया आपका पहला हाईलाइट किया आपने दूसरा हाईलाइट आपको ये चीज़ करनी है ठीक है कैन यू रिकॉल दिख रहा है आपको हाँ सर तो कैन यू रिकॉल वाला ये जो टेबल है इसको भी हाईलाइट कर लो जैसे कि देख सकते हो आप रूट जो है वो स्वीट पोटैटो एस्परेग एंड डहेलिया ये सभी प्लांट्स में रूट से क्या होता है एक प्लांट से दो प्लांट बनते हैं मतलब वेजिटेटिव प्रोपैगेशन हम जिसे कहते हैं ठीक है तो रूट से उसके बाद लिप से कौन कौन से प्लांट्स के अंदर होता है याद कर लो ओके स्टेम से तो ये सारी चीजें क्या करनी है आपको समझनी है सो महार मैराथॉन लेक्चर भी लेंगे क्या आप यस यस महामैराथॉन लेक्चर भी लेंगे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको सिर्फ आपको क्या करना है वीडियोस को देखना है चलो ये कैन यू रिकॉल इसको आप क्या करो हाईलाइट कर दो ठीक है जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको हाईलाइट करना उसको रीड करना वहां से पेपर में आपका सेक्शन ये निकल के आएगा यस सर सेक्शन ए में वन मार्क के क्वेश्चन भी होते हैं तो वन मार्क के क्वेश्चन में आप क्या करो ये ध्यान में रख लो दो ठीक है वन मार्क के लिए आपको कटिंग पूछा जा सकता है ठीक है तो इसको आप हाईलाइट कर लो फॉर वन मार्क तो ये एम सी क्यू है कि नहीं ये वन मार्क क्वेश्चन है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज कटिंग उसका एक example. उसी प्रकार से ग्राफ्टिंग भी आप मार्क के लिए ले लो ठीक है मार्क क्वेश्चन के लिए ग्राफ्टिंग भी आप पे ले लो चलो तक क्लियर ओके आगे 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 बढ़ते हैं हैं अगर हम बात करें तो इस चैप्टर फर्स्ट में में आपके जो सेक्शन ये में सवाल पूछे जा सकते ठीक है इसको हेलो, यस। yes. अब आ रहा आवाज एक बार क्लियर करो यस yes. अब आवाज आ रहा है क्लियर चलो यस yes. अर्चना कह रही कि सर मेरा अब तक कुछ पढ़ा के नहीं हुआ है तो क्या करूँ आ रहा है आवाज ओके हाँ सर चलो आगे बढ़ते आप अब इसमें चैप्टर फर्स्ट में आपने ये हाईलाइट कर दिया कि इसको एक बार बताइए चलो हाँ सर ठीक है यस आपने उसको हाईलाइट कर दिया होगा ऐसा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसिडर करता हूँ चलो आगे बढ़ते हैं फिर है कि नहीं हाँ सर देखो रिपीट में मैं आपको बता रहा हूँ रिपीट में क्या चीज़ें याद रखनी है आपको एक चीज़ याद रखनी है आपका चैप्टर फर्स्ट में ये जो है यहाँ पे दो टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं एक वन मार्क का व्हाट इज़ एपोकार्पस फ्लावर व्हाट इज़ सिन फ्लावर एपोकार्पस फ्लावर मतलब क्या जिनके ऐसा फ्लावर जिसके अंदर जो कार्पेल्स होते हैं वो फ्री होते हैं फ्री कार्पेल एग्जाम्पल पूछा जा सकता है माइकेलिया एक तो एम सी क्यू में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस तो आपको ऑप्शन में होगा माइकेलिया या फिर व्हाट इज एपोकार्पस फ्लावर एक मार्क के लिए पूछा जाएगा हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए की आज सिर्फ सेक्शन ए की बात करेंगे सेक्शन ए में एक मार्क के सवाल पूछे जाते हैं तो वो चैप्टर में कहाँ से पूछे जाएंगे उसका एक अंदाज लेकर मोस्ट एक्सपेक्टेड जगह मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर ठीक है अर्चना यादव कह रही कि सर मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है हम जो ये सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी इसके जो लाइव सेशन ले रहे हैं वहाँ पे हम चीज़ें बताएंगे देखो ये सवाल आएंगे इस साल वो आप सिर्फ कर लो उतना वन शॉट वीडियोज हमारे हैं वो भी देख लो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया ना हाँ सर चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट में ही चैप्टर फर्स्ट में भी देखो हाँ यस ये ऑलवेज रिमेंबर वाला एक चार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ना यहाँ पे आप देख सकते होता है ये तीनों भी ध्यान में रखने क्यू हाँ में नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे ठीक है चलो ये आपको ध्यान में रखना है आपके इस यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट में ओके okay, ये कर लो आप ये आईएमपी एम पी है आपके लिए चलो बुक आपके सामने होगा बुक आपके सामने रखो और वो आईएमपी करो मैं आपको जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो चलो आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आउट ब्रिडिंग डिवाइस में नहीं पूछा जाएगा वन मार्क का सवाल वन मार्क का सवाल एक ये यह डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है पिछले साल तो आया ही था ये ठीक है नहीं इस साल फिर भी आपको ये पूछा जा सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ओके इसको थोड़ा एक नज़र आप क्या करो उसके ऊपर चलो चलो आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम बात करें तो लास्ट में एक चीज ध्यान में रखनी है कि लिविन हुक ये साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया ओके okay? और नोल नाम के साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया ये दो चीजें समझ लो सिर्फ बस उसके साथ ही साथ एपोमिक्सिस क्या होता है एपोमिक्सिस मतलब क्या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन जिस प्रोसेस में एम्ब्रियो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन वो है एपोमिक्सिस मार्क के लिए पूछा जा सकता है ठीक है उसको हाईलाइट कर दो यस सर उसके बाद पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी में ध्यान में रखना है इस प्रोसेस में क्या बनता है फ्रूट जिस प्रोसेस में फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को क्या कहेंगे पार्थेनोकार्पी जिस प्रोसेस में एम्ब्रियो बनता है उसे एपोमिक्सिस और जिस प्रोसेस में आपको बनता है फ्रूट उसे बोलेंगे पार्थेनोकार्पी तो ये किसने क्वाइन किया ये भी पूछा जा सकता है नोन नाम के साइंटिस्ट ने क्वाइन किया और साथ ही साथ पॉली जब मतलब मेनी एम्ब्रियोज होते हैं सीड में तो वो लिव हुक ने क्वाइन किया कब क्वाइन किया तो 1719 में चलो चैप्टर फर्स्ट क्लियर हो गया बताओ बताओ चार्ट बॉक्स में चलो जल्द 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 जल्दी 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 चैप्टर फर्स्ट क्लियर हो गया हाया ना बोलो उसके बाद चैप्टर टू जो है वो शुरू करेंगे ओके यस Uh, सरवार सैयद कह रही कि सर इतना करके कितने मार्क्स आएंगे इतना करके आपको आउट ऑफ आप मार्क्स मिल जाएंगे है नहीं हाँ अठारह मार्क्स आपको सेक्शन ए में पूछे जाएंगे जिसमें से दस एम होते हैं दस मार्क के और आठ होते हैं वन मार्क के क्वेश्चन यस राठौड़ संगीता राठौड़ आपको आईएमपी डायग्राम का भी लेक्चर मिलेगा डोंट वरी यहाँ तक क्लियर हो गया क्या बताइए चलो यस और नो यस चलो चैप्टर फर्स्ट क्लियर जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट में उसको हाईलाइट करना है सेक्शन ए में इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है उसके ठीक है नहीं चलो देखो डरना नहीं है डरना नहीं है मैं आपके साथ हूँ हमेशा साथ रहूँगा डरना नहीं है ठीक है इस साल फेल तो कोई नहीं होगा ये गारंटी मैं दे सकता हूँ क्यों क्योंकि पेपर ईजी होता है मीडियम और हार्ड मतलब तीनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ईजी वाले आपने सॉल्व किए तो वहाँ से पासिंग हो जाएगा आपका पासिंग के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है ठीक है नहीं हाँ सर यस सर सबको क्या करना है लाइक करना है सेशन को और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो अगर किसी ने नहीं किया तो चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको बता दिए कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे सवाल इस साल बनेंगे सेक्शन ए के अंदर पूछे जाएंगे बायो के पेपर में चलो अगला अगला टॉपिक देखते हैं अगला हम क्या करेंगे चैप्टर लेंगे चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे अगर हम चैप्टर टू की बात करें तो चैप्टर टू में भी यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं कि नहीं हाँ सर एग्जाम्पल के बाद अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये टेस्टिस वाला पार्ट ठीक है ये टेस्टिस वाला पार्ट हाईलाइट करो इसको जल्दी से चलो ये जो टेस्टिस वाला पार्ट है इसको क्या करो हाईलाइट करो ये वाला यस तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे सवाल पूछे जाएंगे कितने मार्क्स के सवाल आएंगे आया ना हाँ सर तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ डोंट वरी अगर चैप्टर हम बात करें आपके टू की तो इसके अंदर देखो टेस्टिस के अंदर व्हाट इज स्क्रोटम तो टेस्टिस के ऊपर जो पाउच होता है उसे स्क्रोटम कहते हैं अब व्हाट इज स्क्रोटम ऐसा भी एक मार्क के लिए सवाल आ सकता है उसके बाद आपको इसके डायमेंशन पूछे जा सकते हैं एम में ठीक है कि ये टेस्टिस की ल, आपकी लेंथ कितनी होती है कितना वो लंबा होता है सो फोर टू फाइव सेंटीमीटर ब्रिथ कितनी होती है वाइड वाइड मतलब ये ब्रिथ तो तीन सेंटीमीटर और वो थिक कितना होता है तीन सेंटीमीटर तो ये ये डायमेंशन याद रखने हैं ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर चैप्टर टू हम देख रहे हैं चैप्टर टू में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे यस ये सीमन के अंदर ये कितना होता है टू पॉइंट फाइव एम एल टू फोर एम एल इतना वो एक ईजैकुलेशन में रिलीज़ होता है और इसका पीएच कितना है वो याद रखना है आपको सीमन में ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ठीक है

दूसरा चैप्टर हम देख रहे हैं उसमें एक सेक्शन ए में वन मार्क के सवाल कहाँ से पूछे जा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया है इसमें कोई टेंशन नहीं है हाँ आप क्या करो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फोकस करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहा से पूछेंगे वो मैं आपको बताता हूँ डोंट वरी देखो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पम बहुत इंपॉर्टेंट है यस यस ओके नमिता नमिता कह रही है कि सर क्या एचएससी बोर्ड में फिफ्टी ट्वेंटी फाइव अबो मार्क्स मिलेंगे क्या प्रैक्टिकल्स में तो ज़रूर मिलेंगे डोंट वरी है नहीं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं होती है ट्वेंटी फाइव के अबो ही मार्क्स आपको मिलेंगे जस्ट अट बताओ तब तक अगर कोई सवाल है तो वो बताओ पूछो ठीक है प्रणाली कह रही कि सर आपने बताया वो नहीं आया तो देखो कैसा है आ, ये जो चीज़ें होगी वो आपको मदद करेंगी है कि नहीं हाँ सर मैं किसके लिए हूँ आपको मदद करने के लिए हूँ ये चीज़ आप ध्यान में रखना है आपको और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स आएंगे मैं आपको हेल्प करने के लिए हूँ नहीं आया तो लेकिन आएगा ही आएगा क्योंकि क्या है एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं तो वहाँ से ही आएगा आपको हंड्रेड परसेंट हेल्प होगी ये मैं बता सकता हूँ सर नेक्स्ट स्टडी प्लान बताइए देखो स्टडी प्लान मैं बताऊँगा डोंट वरी आपको सिर्फ चैनल के साथ ज्वाइन रहना है और जो लाइव सेशन हम लेने वाले हैं अगले दिनों में उसको ज्वाइन करना है बस बाकी टेंशन मत मतलब। लो आप चलो चैप्टर टू हम देख रहे थे और चैप्टर टू के अंदर यहाँ तक हम आए हैं ठीक है हाँ चैप्टर टू में आगे अगर हम बात करें तो हाँ ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पम की जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है उसको करके लेना है है कि नहीं वन मार्क के सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है वन मार्क के लिए डायग्राम या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर तो आपको बोलेंगे कि बताइए ये जो है यहाँ पे एक्रोजोम वाला पार्ट बताएंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे व्हाट इज ए तो एक्रोजोम होगा वो है कि नहीं चलो आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम बात करें चैप्टर नंबर टू की तो इसमें ये ये ऑलवेज रिमेंबर वाला चार्ट अच्छे से रीड करना है आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक है नहीं हाँ सर चलो उसके बाद के बाद अगर हम बात करें देखो इसमें जो वन मार्क के सवाल है वो ज्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट जो टर्म्स है वो बड़ी बड़ी टर्म्स है ठीक है नहीं जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज बहुत सारे इंफॉर्मेशन थी वन मार्क के लिए वही चीज़ें टारगेट की जाती है अब देखो वन मार्क के लिए ये जो ये भी आ सकता है आपको मॉर्निंग सिकनेस के ऊपर मॉर्निंग सिकनेस क्या है कि प्रेगनेंसी आने के पहले शुरुआत में मॉर्निंग सिकनेस होता है किसको मदर को तो व्हाट इज़ मॉर्निंग सिकनेस तो ये सवाल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वन मार्क के लिए तो ये हाईलाइट करो एक ठीक है और ये चार्ट हाईलाइट करो लास्ट लास्ट आपका ठीक है ये लास्ट होगा आपका चैप्टर नंबर टू में ये चार्ट अब ये चार्ट में क्या है देखो इक्टोडम मेजोडम एंड एंडोडम थ्री जर्मिनल लेयर्स होते हैं हमारे एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के दरमियान और हर एक जर्मिनल लेयर क्या क्या बनाती है वो आगे दिया गया है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है तो इसके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं तो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा चार्ट बेस्ड क्वेश्चन सी बी क्यू मींस चार्ट बेस्ड क्वेश्चन इस साल पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्लियर चलो यस yes, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू में वहां तक ही आपको चीजें ध्यान में रखनी है अब चैप्टर नंबर हम थ्री बात करते थ्री की है कि नहीं हाँ सर चलो चैप्टर नंबर थ्री की बात करते यहां तक हो गया क्लियर बताओ चैप्टर नंबर टू में ये जो चार्ट है ये भी एक लास्ट लास्ट आप क्या करो इसको हाईलाइट करो चैप्टर नंबर टू में पेज नंबर आपका आ जाएगा फोर्टी थ्री चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर थ्री चैप्टर टू तक हो गया क्लियर बताओ थम यहाँ पे आपको भेजना है कि सर क्लियर हो गया कहाँ से वन मार्क के सवाल बन सकते हैं वो आपने समझ लिए हो गया क्लियर बताइए थम थम आपको बताना पड़ेगा ठीक है नहीं हाँ सर चैट बॉक्स में थम क्या करिए आपको टाइप करना है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड हमने यहां पे क्लियर कर दिया कि वहां पे कैसे वन मार्क के सवाल पूछे जा सकते हैं देखो हम जो लाइव करने वाले हैं वहां से भी पासिंग आराम से हो जाएगा आपका पचास मार्क्स आपको मिल जाएंगे अब देखो कैसा है हंड्रेड में से पचास मार्क्स 30 मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे तो 25 से 30 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लोगे अगर आपने ये मैं जो बता रहा हूँ वो अगर करके गए तो 25 से 30 मार्क्स ठीक है प्रणाली कहरे के सर आपने जो ये लाइव स्ट्रीम लगाए हैं अभी वन वन मार्क के क्वेश्चन टू मार्क के थ्री मार्क के एंड फोर मार्क के ये अगर करेंगे तो कितना मार्क्स आएगा तो कम से कम 30 मार्क्स आएंगे चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 में कहाँ से वन मार्क के सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया अब चैप्टर नंबर थ्री की बात करते हैं अब थ्री में अगर हम गए तो ये थ्री की अगर हम बात करें तो इसमें ना ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट करके जाओ अब यहाँ पे वन मार्क का सवाल कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ देखो सवाल सीधा है कि वो बोलेंगे बताइए पॉड शेप में इन्फ्लाटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड कौन सा डोमिनेंट है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव ये कौन सा है ये चीज़ ध्यान में रखनी है तो बाकी सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स तो वो रहेंगे कौन सा एक सबसे पहले तो प्लांट हाइट सीड कलर सीड शेप पॉड कलर पॉड शेप फ्लावर कलर फ्लावर पोजिशन एंड सीड कोट कलर तो वो तो सातवा ए है ठीक है वैसे सात है सात में भी एक है सीड कोट कलर मतलब सेवन ए लेकिन हमें सेवन ध्यान में रखना है चलो ये आगे बढ़ते हैं अब आगे में देखो ये जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है ये इजी इजी टर्म्स है है कि नहीं हाँ सर इजी इजी टर्म्स है मैंने आपको बताया था इजी मतलब सर बहुत इजी है जिसमें वन मार्क के सवाल पूछे जा सकते हैं वो वो बोलेंगे व्हाट इज फैक्टर व्हाट इज ट्रेड व्हाट इज कैरेक्टर अब ये सबको आपको अच्छे से रीड रीड करके रखना है क्योंकि ये ईजी भी है है ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है वॉट इज फैक्टर वॉट इज जीन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ओके सेगमेंट ऑफ डी ए वॉट इज अलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स तो ये जो चीजें हैं ना ये आपको ध्यान में रखना है कितने ये पांच ये आपको वन मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं एक्सप्लेनिंग के लिए नहीं ओके एम सी क्यू में नहीं आएंगे एक्सप्लेन के लिए बताइए वॉट इज फैक्टर ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर थ्री की बात कर रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं आपको ये पॉइंट याद में रखना है वॉट इज पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड मेथड ये किसके लिए है ये मेथड है क्रॉसेस को समझने के लिए क्रॉसेस को करने के लिए यस उसके साथ ही साथ ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ये अच्छे से कर लेना है ये अच्छे से कर लेना है आपको ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर थ्री में वन मार्क्स के सवाल दैट इज सेक्शन ए में कहाँ से पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है नहीं हाँ सर आगे बढ़ते हैं वन मार्क के सवाल को हम टारगेट कर रहे हैं यस वन मार्क में डायग्राम बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं तो इसमें ना ये डायग्राम आपको अच्छे से इसको करना है ठीक है ये देखो ये वाली डायग्राम ठीक है हाँ सर चलो आगे बढ़ते हैं आगे अगर बात करें चैप्टर नंबर थ्री में वन मार्क्स के क्वेश्चन तो कहाँ से निकलेंगे बताइए बताइए हाँ ये।, ये भी चार्ट कर लेना है ठीक है ये चार्ट आपको क्या कर लेना अच्छे से समझ तो लेना है अब इस चार्ट में से सर कैसे सवाल आएंगे अगर ऐसा सवाल किसी ने पूछा मुझे तो मैं क्या जवाब दूंगा देखो मैं बताता तो. हूँ ये चार्ट की अगर बात करें तो व्हाट इज प्लॉयडी प्लॉयी मतलब होता है पर्टिकुलर डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है जो रिपीट होता रहता है उसे प्लॉयडी कहा जाता है अब यू प्लॉयडी में ये एग्जैक्टली exactly मल्टीपल होता है नंबर एक तो वन इंटू एन होगा थ्री इंटू एन होगा मतलब एन के एग्जैक्टली exactly मल्टीप्लाइज में जो नंबर्स आएंगे क्रोमोजोम नंबर जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे उनको बोलेंगे यू प्लॉयडी ठीक है वो क्रोमोसोम नंबर को यू प्लॉडी अनयू प्लॉडी में कैसा एक तो ज्यादा होंगे या कम ज्यादा होंगे तो वो हाइपर प्लॉडी में आएंगे कम होंगे तो हाइपो प्लॉडी में आएंगे एक ज्यादा एक कम है तो मोनोसोमी दो कम है तो नल्लिसोमी तो आपको पूछे जाएंगे इसके ऊपर ठीक है हाँ सर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट देखो एक ही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको क्लास ट्वेल्व बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लाने हैं अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट जिसने कंसेप्ट समझ लिया वो कैसे भी पेपर लिख सकता है अब जिसने कंसेप्ट समझा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगी चलो चैप्टर नंबर थ्री हमने यहां पे यह देख लिया है चैप्टर नंबर थ्री में यहां तक आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा कि कहाँ से वन मार्क के सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है हाँ सर चलो अब हम देखते हैं आगे टू मार्क्स के क्वेश्चन ओके नॉट टू मार्क्स ये आपका थ्री हो गया ना हाँ सर फोर चैप्टर नंबर फोर में देखते हैं कहाँ से वन मार्क के सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है हाँ आ, ये आगे हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इन चैप्टर नंबर फोर के अंदर कहाँ पे आ गए हम ये आगे हम चैप्टर नंबर फोर के अंदर तो फोर के अंदर कहाँ से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ चलो वन मार्क के सवाल कहाँ से आएंगे यस yes. ये न्यूक्लियोज़ोम कर लो अच्छे से ठीक है ये न्यूक्लियोज़ोम अच्छे से कर लो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन न्यूक्लियोज़ोम पे बन सकता है इस साल ठीक है कितने मार्क्स के लिए तो एक मार्क्स के लिए क्योंकि हम सेक्शन ए को टारगेट कर रहे हैं आज कल चैप्टर मतलब कल सेक्शन बी को टारगेट करेंगे दो मार्क्स के क्वेश्चन कल आपको देखने को मिलेंगे ठीक है हाँ सर चलो अब इसमें अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर फोर में वन मार्क के सवाल कहाँ से आएंगे तो वो आपने पहले देख लिया ठीक है अब इसके अंदर देखो ये जो आपका रेप्लिकेशन ऑफ आप डी है इसमें दो फंक्शन होते हैं एक होता है हेट्रो फंक्शन और ऑटो फंक्शन डीएनए का जब डीएनए जो है वो क्या करता है खुद के सिंथेसिस को छोड़कर बाकी के केमिकल के मॉलिक्यूल्स बनाता है वो हेटरोकेटिलेटिक फंक्शन होता है पिछले साल सवाल आया था इसके ऊपर और एटोकैटोलेटिक फंक्शन डीएनए का है मतलब जो क्या करता है खुद को बनाने के लिए जो प्रोसेस करता है वो ऑटोकेटलेटिक फंक्शंस में आते हैं ठीक है हाँ सर हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर फोर में तो वो दोनों एक पॉइंट कर लेना है आपको साथ ही साथ जो डीएनए रिप्लीकेशन है उसके अंदर अलग अलग स्टेप्स हैं जैसे कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है तो फॉस्प्रिलेज नाम का एंजाइम ठीक है हाँ सर तो एंजाइम कौन कौन से वहां पे होते हैं वो ध्यान में रखना है अब इनिशिएशन पॉइंट में जो है वो आपका एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम होता है कौन सा एंजाइम होता है तो वो एक आपको ध्यान में रखना है ठीक है हाँ सर आगे अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ये यहां पर सेंट्रल डोगमा ठीक है ये एक पॉइंट आप क्या करो हाईलाइट कर लो इस पॉइंट में आपको ये चीज हाईलाइट करनी है जिसमें सेंट्रल डॉगमा कि ये आप देख सकते हैं ये सेंट्रल डॉगमा ये किसने दिया एफएचसी क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया कब दिया 1958 के अंदर तो ये सेंट्रल डॉगमा जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर फोर की बात हम कर रहे हैं फोर मार् चैप्टर फोर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे वन मार्क के सवाल बनेंगे यस ये करके जाओ इनिशिएशन कोड ऑन एंड टर्मिनेशन कोड ऑन चैप्टर नंबर हम ले रहे हैं फोर में ठीक है यस इनिशिएशन कोड ऑन इसमें एंटी कोडॉन और आपका कोड ऑन क्या होता है इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोड ऑन क्या होता है ये चार पॉइंट्स यहाँ पे कर लेने आपको व्हाट इज इनिशिएशन कोड ऑन जो प्रोसेस को शुरू करता है जो प्रोसेस को स्टॉप करता है वो टर्मिनेशन कोड ऑन कोडोन मतलब थ्री अनपेयर नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन एम आर एन ए और एंटी मतलब थ्री अनपेयर नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन टी आर एन ए हाँ सर अब ये चैप्टर नंबर फोर में आपको इतनी सारी चीज़ें क्या करनी है ध्यान में रखनी है वन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ठीक है हाँ सर उसके साथ ही साथ ये जो इंड्यूसर है वो भी अच्छे से करके जाना है आपको ठीक है ये जो इंड्यूसर है वो भी अच्छे से करके जाना है आपको बोला जा सकता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंड्यूसर इन लैक ओपेरॉन एक मार्क के लिए या फिर बोला जा सकता है वॉट इज इंड्यूसर इन लैक ओपेरॉन एक मार्क के लिए सवाल यहाँ पे हंड्रेड परसेंट आएगा चलो आगे बढ़ते हैं यस ये चार्ट आपको याद करना है ठीक है वन मार्क का सवाल सेक्शन ए में पूछा जा सकता है इस चार्ट के ऊपर ओके हाँ सर तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर फोर फोर कंप्लीट है चैप्टर नंबर फाइव की बात करेंगे चलो ये आपका चैप्टर फाइव आपके सामने बायोलॉजी का किताब होगा और आप अच्छे से उसको हाईलाइट कर रहे होंगे ठीक है हाँ सर चलो अब इसमें चैप्टर फाइव की अगर हम बात करें तो देखो इसमें शुरुआत में ही वन मार्क के सवाल इस थेरी के ऊपर बन सकते हैं शुरुआत में ही आपको चार थेरीज दिए गए हैं इसमें पहली जो थेरी है वो है आपका स्पेशियल क्रिएशन ठीक है दूसरा है कॉस्मोजोइक थेरी या फिर पांच परमिया थ्योरी तीसरी है थ्योरी और चौथी है बायोजेनेसिस तो कितने थेरी पे दिए गए हैं आपको चार चार में से कोई भी एक हंड्रेड परसेंट आएगी चारों में से एक के ऊपर हंड्रेड परसेंट सवाल इस साल होगा ठीक है यस तो यह चीज क्या करनी है आपको समझ के लेनी है चैप्टर नंबर फाइव की बात कर रहे हैं जिसमें वन शॉट मतलब वन मार्क के क्वेश्चन आएंगे ठीक है वन मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे चैप्टर फाइव में मैं आपको बता रहा हूँ यस चलो आगे बढ़ता है इसमें अगर हम बात करें तो यस आपको आएगा म्यूटेशन थियोरी नो म्यूटेशन थियोरी नहीं आएगा वन मार्क्स के लिए ठीक है चैप्टर फोर तक कंप्लीट हो गया हाँ सर यस चैप्टर फाइव देख रहे चैप्टर फोर तक कंप्लीट हो गया हमारा वन uh, मतलब वन मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे यस yes, इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको एक व्हाट इज़ मेंडेलियन पॉपुलेशन व्हाट इज जीन पूल ठीक है हाँ सर ये मेंडेलियन पॉपुलेशन और ये जीन पूल दोनों भी आपको क्या करना है अच्छे से ध्यान में रखने एक एक मार्क का सवाल वहाँ पर बनेगा यस yes. उसके साथ ही साथ एक लास्ट अगर बताऊँ इसमें चैप्टर फाइव में तो वो यह है कि जेनेटिक वेरिएशन में आपको पाँच मेथड्स दिए गए एक है जीन म्यूटेशन दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये पाँचों ध्यान में रखो तीसरा है जीन फ्लो उसके बाद है जेनेटिक ड्रिफ्ट उसके बाद है क्रोमोजोमल एबेरेशन पाँचों में से एक हंड्रेड परसेंट पूछा जाएगा तो ये भी कर लो आप ठीक है वन मार्क के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो चैप्टर फाइव में आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है अच्छे से कर लेनी है उसमें और एक अगर हम बात करें तो एडेप्टिव रेडिएशन एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है तो एक ही स्पेसिस के अंदर चेंजेस आके उससे बहुत सारे स्पेसिस बन जाना मतलब एडेप्टिव रेडिएशन तो ये भी एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है इस साल चलो चैप्टर फाइव यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे क्योंकि और यहाँ पे बनने की कुछ संभावना नहीं है ठीक है हाँ सर यस ये चार्ट तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन ये चार्ट बेस्ड क्वेश्चन में हम उसको लेंगे उसके लिए टेंशन नहीं है आपको लेना है चलो आगे बढ़ता है आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैप्टर सिक्स देखते हैं चैप्टर नंबर सिक्स में वन शॉट वीडियोस तो आपने देखा ही होगा इसका वन मार्क के सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं वो हम देख रहे हैं चलो इसमें जो है वो वन मार्क राइट हाँ सर तो इसमें चार टाइप्स के वाटर होते हैं एक है सॉइल में कितने टाइप्स के वाटर होते हैं चार टाइप के तो कौन कौन से होते हैं सर तो ग्रेविटेशनल वाटर है हाइग्रोस्कोपिक वाटर है कंबाइंड वाटर है कैपिलरी वाटर है चारों में से कोई भी एक एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है ठीक है हाँ सर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो वाटर पोटेंशियल आपको पूछा जा सकता है वन मार्क के लिए वॉट इज वाटर पोटेंशियल वन मार्क के लिए सेक्शन ए के अंदर ठीक हाँ सर कुंदन कह रही कि सर पानी पी लो ठीक है डोंट वरी कुंदन उसकी जरूरत नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं वाटर पोटेंशियल आपने देख लिया वन मार्क का है कि नहीं हाँ सर उसके बाद वन मार्क्स का क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाएगा चैप्टर नंबर सिक्स हम देख रहे हैं देखो चलो आगे बढ़ते हैं ये अलग अलग थीरीज है वो एक मार्क के लिए पूछी नहीं जाती वो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं है कि नहीं हाँ सर यस वन मार्क के लिए देखो यहाँ पे वॉट इज गटेशन वॉट इज ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर लॉस होना प्लांट की बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स एंड गटेशन मतलब प्लांट की बॉडी में वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है ठीक है वन मार्क का सवाल बन सकता है वहाँ पर यह डायग्राम बेस्ड सवाल इसके ऊपर आएगा यह लिख के ले लो आप ठीक है यह डायग्राम बेस्ड सवाल जिसमें एक एक में आपका क्या है डम्बल शेप गार्ड सेल है दूसरे में किडनी शेप गार्ड सेल है दोनों भी एक प्लांट के अंदर पाई जाती है वो प्लांट का नाम है ऐसा प्लांट है जिसके अंदर दोनों शेप के गार्ड सेल होते हैं ओके किडनी एंड द डम्बल शेप तो ये पिछले साल एग्जाम में यहां से सवाल पूछा गया था पिछले साल एग्जाम में तो आपको यह करना है अभी इस साल ये चीज़ें ध्यान में रखनी है देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है ये इपिस्टोमेटिक प्लांट्स के अंदर इपिस्टोमैटिक जो है वो लिव्स होते हैं इपिस्टोमैटिक मतलब क्या ईपी मतलब एक्सटर्नल तो लिव्स के ऊपर पार्ट में स्टोमाटा होंगे तो इपिस्टोमैटिक लिव हाइपोस्टोमेटिक नीचे के पार्ट में और एम्पिस्टोमैटिक लिफ मतलब दोनों पार्ट में उसके एग्जाम्पल्स याद कर लो अच्छे से यहाँ पे हंड्रेड परसेंट मुझे लगता है सवाल पूछे जाएंगे चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर हम सिक्स की बात करें चैप्टर नंबर सिक्स में यहाँ पे एंड हुआ चैप्टर सिक्स ठीक है उसमें कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है यस yes. अब चैप्टर नंबर सेवन की बात करते हैं ठीक है हाँ सर चैप्टर नंबर सेवन की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर नंबर सेवन में देखो यस ये डू यू नो में याद में रखना है डू यू नो में ठीक है हाँ सर डू यू नो में ये जो आपको दिख रहा है तीन टाइप के मेरी स्टेप ये याद कर लेने है। आपको एक एक मार्क के लिए कोई भी एक पूछा जा सकता है ठीक है हाँ सर चलो आगे बढ़ते हैं आगे ये है कि प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए टेम्परेचर कितना चाहिए ऑक्सीजन चाहिए क्या लाइट चाहिए क्या ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए क्या ग्रोथ के लिए तो ये जो है ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लो चलो वो पैराग्राफ अच्छे से आपको क्या करना है पढ़ना है ठीक है देखो पिछले साल ना ये ग्रोथ ये वन मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आया था कौन से ये एक्सपोरशियल ग्रोथ कर्व या सिग्मेटिक ग्रोथ कोर्स सिग्मॉइड एंड एक्सपोनेंशियल टू टाइप के ग्रोथ कोर्स होते हैं इसमें से एक के ऊपर आया था सवाल पिछले साल ठीक है आपको इस साल ए जी आर पूछा जा सकता है वॉट इज रिलेटिव ग्रोथ वॉट इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट वॉट इज एजीआर आर ठीक है चलो आगे अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर वन मार्क के सवाल चैप्टर नंबर सेवन के ऊपर हम ढूंढ रहे हैं यहाँ से पूछे जा सकता है ठीक है हाँ सर तो इसमें देखो एक तो फोटो फोटोक्रोम पूछा जा सकता है आपको ठीक है फाइटोक्रोम नॉट फोटोक्रोम फाइटोक्रोम्स मतलब लीव्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो फाइटोक्रोम्स के अंदर आते हैं वो एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है है कि नहीं हाँ सर चलो और बाकी ये वाला ठीक है ये ये वाला पैराग्राफ देखो यही इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है कि प्लांट को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो अलग अलग टाइप के सिम्टम्स प्लांट शो करता है और उसमें ये पांच सिम्टम्स है स्टंटिंग क्लोरोसिस नेक्रोसिस मॉटलिंग एंड एप्सेशन तो इसमें वन मार्क के लिए सवाल आ सकता है ठीक है यस कुंदन कह रही कि के सर आप कहाँ से हो अभी फ़िलहाल हम पुणे में हैं वहाँ से सब ऑपरेट करते लाइव लेक्चर सारी चीज़ें ठीक है हाँ सर चलो और लास्ट में चैप्टर नंबर सेवन में जो है ये ये जो लास्ट लास्ट है चैप्टर नंबर सेवन में एंड में सेवन नंबर में चैप्टर के एंड में जो सात से आठ वन मार्क्स के लिए डेफिनेशन है जैसे कि वॉट इज अमोनिफिकेशन व्हाट इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन एस वॉट इज नाइट्रिफिकेशन तो ये करके लेना है अच्छे से इसको अच्छे से क्या कर लेना है आपको समझ लेना है रीड कर लेना है यहाँ से भी सवाल बनेंगे चलो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर सेवन के बारे में चैप्टर नंबर एट में वन मार्क्स के क्वेश्चन अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर एट ठीक है हाँ सर हाँ यस ये मिल गया आपका चैप्टर नंबर एट में यहाँ से आएगा टाइटल वॉल्यूम क्या है ठीक है सब अच्छे से पढ़ना है टाइडल वॉल्यूम क्या है इंस्पाइटरी रीजन वॉल्यूम क्या है एक्सपायरेटरी रीजन वॉल्यूम क्या है डेट स्पेस क्या है ठीक है यस हंड्रेड परसेंट मैं बोल रहा हूँ यहाँ से सवाल बनेगा मतलब बनेगा तो ये कर लेना है आपको ठीक है चलो चैप्टर नंबर एट में हम देख रहे हैं एट में ठीक है यस बोहर इफेक्ट क्या होता है ये एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है वॉट इज बोहर इफेक्ट उसके साथ ही साथ आगे अगर हम देखेंगे इसके अंदर वन मार्क्स का सवाल तो इसमें ये जो कॉमन डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ठीक है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स है इसके चार्ट के ऊपर एक सवाल आएगा वन मार्क क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा तो ये भी अच्छे से रीड कर लो चैप्टर नंबर नाइन की बात कर रहे हैं ओके सॉरी नाइन की नहीं है एट की है चैप्टर नंबर एट है उसके बाद का नाइन है चलो इसमें ये देखो ये इसके ऊपर डायग्राम पे सवाल आया था पिछले साल तो इस साल जो है वन मार्क का सवाल कहाँ पे बनेगा चैप्टर नंबर नाइन एट में वो हम देख रहे हैं इसके बाद चैप्टर नंबर नाइन देखेंगे ठीक है हाँ सर जो भी सारे स्टूडेंट्स सा अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं सबको क्या करना है लाइक करना है लेक्चर को है कि नहीं हाँ हाँ सर चलो आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम बात करें तो इसमें एम पूछा जा सकता है क्या पूछा जा सकता है तो देखो जो डब्ल्यू है टाइप्स ऑफ डब्ल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप्स ऑफ डब्ल्यू ये टाइप्स ऑफ डब्ल्यू ना डिवाइड होता है आपका दो टाइप में एक ग्रैनुलोसाइट्स अग्रैनुलोसाइट्स इसमें ना देखो पहले ग्रैनुलोसाइट्स में सत्तर परसेंट कौन होता है तो न्यूट्रोफिल होता है बेसोफिल कितना परसेंट होता है तो वो परसेंटेज ध्यान में रखनी है कितना परसेंट होता है डब्ल्यू में तो ये सारी चीज़ें और ये डायग्राम बेस्ड सवाल ठीक है, है? इसमें से क्या होगा कोई भी एक सेल आपको पूछा जा सकता है कोई भी इसमें से कोई भी एक सेल आपको डालेंगे उसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा और आपको अगर सपोज कर लेते ये न्यूट्रोफील वाले वाले ठीक है तो न्यूट्रोफिल वाली अगर पूछी गई तो आपको बोलेंगे कि बताइए ये कौन से टाइप का डब्ल्यू है उसके शेप से आपको उसको आइडेंटिफाई करना है तो न्यूट्रोफिल तो ये ऐसा डायग्राम बेस्ड सवाल वन मार्क के लिए पूछा जाएगा चैप्टर नंबर एट से ठीक है हाँ सर बाकी आपका ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कुछ सवाल ज़्यादा से ज़्यादा इस साल आपको डिसीज़ के ऊपर आ सकते हैं ठीक है डिसीज में आपका पेक्टोरिस क्या है आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर्स कितना होता है नॉर्मल वन ट्वेंटी एटी एम एम एच ठीक है वो चीज़ें क्या करनी है क्लियर करनी है चलो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर नाइन की बात करते हैं चैप्टर नंबर नाइन में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर नंबर नाइन में आपको जो सवाल पूछे जा सकते हैं वन मार्क के वो मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर नाइन में आगे बढ़ते हैं चलो इसमें यस ये सीएसएफ के ऊपर सवाल पूछा जा सकता इसके ऊपर सीएसएफ के ऊपर सीएसएफ ठीक है तो ये इसको हाईलाइट कर लो चलो सीएसएफ को एक ठीक है सीएसएफ उसके साथ ही साथ चैप्टर नंबर नाइन के ऊपर ये ये जो चार लोब है उसको हाईलाइट कर लो आप एक फ्रंटल लोब पराइटल लोब तीसरा ऑसिप टेम्पोरल लोब चौथा ऑसिपिटल लोब ये लोब के क्या काम है वो हाईलाइट कर लो ठीक है वहां पे आएगा आपको वन मार्क का सवाल उसके साथ ही साथ ये जो चार्ट है क्रैनियल नर्व्स का इसको अच्छे से ध्यान में रखो ये चार्ट को और आपका ये वाला चार्ट ये ये है आपके स्पाइनल नर्व्स देखो क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स में क्या डिफरेंस होता है क्रैनियल नर्व्स ऐसे नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से हरा सकते हैं ओके okay? उसे स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है क्रैनियल मतलब ब्रोन बोन ठीक है बोन या फिर हम बोलेंगे ब्रेन तो जो क्रैनियम है क्रैनियम मतलब क्या क्रैनियल नर्व्स मतलब क्रैनियम से निकले क्रैनियम मतलब क्या वो आपका जो ब्रेन है उसके ऊपर जो बोनी कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं क्रैनियम तो क्रैनियल नर्व्स द नर्व्स विच इज अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स द नर्व्स नर्विच इज अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड ठीक है हाँ सर तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको यहाँ पे उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें चैप्टर नंबर आपका नाइन यहाँ पे क्लियर हो गया हाँ सर वन मार्क के सवाल कहाँ से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ ये ये यहाँ पे ये हाईलाइट कर लो आप इसमें ना आपको ऑटोक्राइंस पैराक्राइंस क्राइन्स एंड फेरोनोम्स क्या होता है तो ये हाईलाइट कर लो वन मार्क के लिए पूछा जाएगा चलो ये है आपका चैप्टर नंबर नाइन यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है बाकी जो है चीज़ें उसको थोड़ा आप निगलेक्ट कर दो वन मार्क के लिए मैं बता रहा हूँ ठीक है हाँ सर वन मार्क के लिए कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ वन मार्क के लिए चैप्टर नंबर टेन शुरू हो गया अब चैप्टर नंबर टेन में देखते हैं ठीक है हाँ सर चैप्टर नंबर टेन में सबसे पहला है व्हाट इज एक्यूट फेज प्रोटीन्स वन मार्क के लिए ठीक है हाँ सर उसके बाद ये तीन प्रोसेसेस अग्न्यूट्रिशन ऑप्शनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इसके ऊपर डायग्राम बेस्ड सवाल बन सकता है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर बताएंगे बोलेंगे इसको ए डिनोट किया और बताइए ए क्या है तो ऐसा सवाल आपको आएगा वहां पे चलो उसके बाद ये चार्ट ठीक है उसके बाद डिसीजेस अलग अलग शुरू होते हैं उसमें वन शॉट में हमने उसको अच्छे से कवर किया है तो ये डिसीजेस वाले जो पोर्शन है उसको क्या करो सीधा आप क्या करो निगलेक्ट करो ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आपको ये ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कार्सिनोजन एंड ऑर्गन इफेक्ट ठीक है कार्सिनोजन मतलब क्या जो कैंसर कॉजिंग एजेंट से उसे बोला जाता है कार्सिनोजन जिससे कैंसर होता है और कौन सा ऑर्गन उसके ऊपर असर होता है उस टाइप के कैंसर में तो वो आगे दिया गया है ठीक है ये है आपका चैप्टर नंबर टेन में ठीक है हाँ सर चैप्टर नंबर एलेवन की बात करते हैं अभी एलेवन में ना आपको क्या करना है तो एक तो बायो फोर्टिफिकेशन एक याद याद रखना है व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन उसके साथ ही साथ ये जो चार्ट्स है वो सभी याद करने हैं आपको ये पहला चार्ट ये दूसरा चार्ट ये तीसरा चार्ट ठीक है कितने चार्ट हो गए चार चार्ट तो वो चार चार्ट याद कर लो मेरे लिए क्योंकि आपको वहाँ पे हंड्रेड परसेंट सवाल आएगा मुझे पता है उसके साथ ही साथ बायो फोर्टिफिकेशन एक है वो याद रख लो ठीक है बायोफोर्टिफिकेशन जिस प्रोसेस में हम फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं उसे बोला जाता है बायोफोर्टिफिकेशन एक मार्क के लिए पूछा जाएगा ठीक है हाँ सर उसके बाद लास्ट वाला इस चैप्टर में वॉट इज आउट ब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग क्या है क्रॉस ब्रीडिंग क्या है और इंटर स्पेसिफिक हैबिटाइजेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एम ओ ई टी ये सारी टेक्निक्स याद कर लो इसको समझ लो अच्छे से ठीक है यस yes. तो एक मार्क के लिए ये आएंगे कोई भी एक उसमें से चलो आगे बढ़ता है अब चैप्टर नंबर हम बात करते हैं आपके ट्वेल्व की ठीक है ये आगे हम आपके चैप्टर नंबर ट्वेल्व में ठीक है हाँ सर आ गया इसमें अब देखो इसमें ना आपका पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ठीक है हाँ सर बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर है ट्वेल्व इस चैप्टर नंबर ट्वेल्व में आपको पीसीआर एक है पीसीआर किसने इसको डिस्कवर किया तो कैरी मूलीज ने 1985 के अंदर उसमें तीन स्टेप्स होती है आपको पता है वो है उसके बाद आपको पूछा जाएगा पैलिंड्रोम सीक्वेंस पैलिंड्रोम सीक्वेंस के ऊपर सवाल आएगा आपको ये देखो व्हाट इज पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम सीक्वेंस मतलब वो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें दोनों डायरेक्शन में उसको रीड कर सकते हैं ठीक है जैसे कि ये जी ए ए जी ए ए टी सी जी ए ए टी टी सी मतलब दोनों डायरेक्शन से रीड करेंगे तो सेम आपका आंसर आएगा वो वाला सीक्वेंस व्हाट इज़ प्लाजमेड ये एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है चलो वो आप हाईलाइट कर लो है कि नहीं हाँ सर चलो और नेक्स्ट में ये ये चार्ट ठीक है ये चार्ट की अगर हम बात करें तो डिसऑर्डर डिसीज एंड उसके रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स चैप्टर नंबर ट्वेल्थ में बस चैप्टर नंबर ट्वेल्थ में उतनी सारी चीज़ें आपको क्या करनी है याद में रखनी है थर्टीन की बात करते हैं चलो चलो ये आ गया आपका थर्टीन थर्टीन में आपको डायग्राम बेस देखो ये वॉट इज ये वाला डू यू नो में ये देखो आपको मिल रहा है यहाँ पे व्हाट इज इथोलॉजी व्हाट इज इकोलॉजी वॉट इज बायोनॉमिक्स वॉट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी चार आपको ध्यान में रखने टर्म्स देखो चैप्टर थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन तीन तीन मार्क के ही सवाल आते हैं तो एक मार्क यहाँ पे तो हो ही गया आपका ठीक है नहीं हाँ सर उसके साथ ही साथ आगे इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो ये वॉट इज मोर्टेलिटी वॉट इज मोर्टेलिटी एंड वॉट इज नेटेलिटी ये चीज़ कर लेनी है आपको इस चैप्टर में और लास्ट में ये जो है वो एज पिरामिड्स अच्छे से समझ लेना है कि एक्चुअल में ये कैसे होता है ठीक है हाँ सर नेक्स्ट में अगर हम बात करें लास्ट नॉट बट नॉट लास्ट फोर्टीन नंबर फोर्टीन नंबर के चैप्टर की बात करते तो इसमें ना याद कर लेना है आपको कि वॉट इज ट्रॉपिक लेवल ठीक है इसमें देखो इसमें एक लॉ है मैं आपको बताता हूं वो यस yes, ये लिंडरमैन ठीक है लिंडरमैन का एक लॉ है टेन परसेंट लॉ है जिसमें क्या होता है जो, जो ट्रॉपिक लेवल है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब हम ऊपर ऊपर चढ़ते हैं तो सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी ऊपर ऊपर जाता है ठीक है तो ये चीज़ क्या करनी है आपको ध्यान में रखना अगर हंड्रेड के ग्रास है इतनी एनर्जी नीचे है तो ऊपर में जो है वो सिर्फ जाएगी दस के जी के नहीं वो झूल में होगा एनर्जी है ना इसलिए तो लेकिन ये बताने का मतलब यही है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी जाती है तो सिर्फ वो दस दस परसेंट से जाती है ठीक है जैसे कि आप ये देख सकते हो नाइन्टी के ग्रास ऊपर में बन गए आपके सौ के माइस उसके ऊपर स्नैक होंगे पचास के उसके ऊपर दस के होंगे आपके होल्ड्स ठीक है यस yes. तो ये आपको पूछा जाएगा चैप्टर नंबर फोर्टीन में और लास्ट चैप्टर देखते हैं उसमें अगर हम बात करें चैप्टर नंबर फिफ्टीन की तो इसमें एक सवाल आपको हंड्रेड परसेंट आ सकता है ठीक है वह है एरिया स्पेसिस रिलेशनशिप वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जितना एरिया होगा उतनी स्पेसिस वहाँ पे होंगे स्पेसिस ज़्यादा तो एरिया ज़्यादा एरिया स्पेसिस रिलेशनशिप उसको यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है और लास्ट uh, में देखो इसमें ना ये वाला यस yes, लास्ट वाला एक्सटेंट स्पेसिस क्या होता है ओके व्हाट इज एक्सटेंट इन वाइल्ड स्पेसिस किसको बोलेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड किसको बोलेंगे इंडेंजर्ड स्पेसिस किसको बोलेंगे वॉलरेबल नियर थ्रेटन लिस्ट कंसर्न डाटा डिफिशियंट एंड नॉट इवेलुएटेड तो ये होगा आपका लास्ट चैप्टर नंबर फिफ्टीन से ठीक है प्रिया शर्मा कह रही कि सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे वीडियो बनाइए यस यस कल हम वहां पे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ठीक है डोंट वरी तो कल जो है हम क्या करेंगे वन मार्क के सवाल तो हमारे आज क्लियर हो गए जो जो मैंने सारी चीजें बताई है इसको अच्छे से करना है बस अगर आपने उतना कर लिया तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा ठीक है प्रिया कह रही कि सर लॉन्ग आंसर पे बनाइए यस यस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है उस वो कल हम चैप्टर पूरे जो है फिफ्टीन चैप्टर के ऊपर दो मार्क के सवाल कैसे बन सकते हैं वो कल लेंगे ठीक है परसों तीन मार्क के और उसके बाद चार मार्क के तो कल हम लेने वाले हैं दो मार्क्स के सवाल यस देखो अब हंड्रेड में से सिक्सटी आ सकते हैं सेवेंटी में से सिक्सटी नहीं आएंगे हंड्रेड में से सिक्सटी मतलब उसमें तीस प्रैक्टिकल के डाल दो और तीस मार्क्स आपको मिल जाएंगे जो मैंने बताया आपने जो वीडियो किया गॉड नाम से जो है ठीक है चैनल से चलो सर आई एम पी क्वेश्चन भी बता देना यस यस आई एम पी क्वेश्चन एक हमने वीडियो डाला है इसके पहले सिक्सटी फाइव है ना टॉपिक वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे पूछे जा सकते हैं सवाल और आगे आए तो उसका आंसर कैसे करना है ठीक है यस चलो किसी का कोई डाउट है तो पूछिए चलिए जल्दी जल्दी ठीक है किसी का कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए सर पहले लॉन्ग आंसर पे बनाना था वीडियो फिर शॉर्ट बाद में भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है आ, क्या करता है यस yes. लॉन्ग ले लेते हैं ठीक है नो डाउट ओके अच्छा ठीक है बताइए और किसी का कोई डाउट कुन no. कह रहे ओके सर चलो ये जो है ये सारी चीजें हैं इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया ठीक है इस वीडियो में मैंने आपको जो बताए सारे जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर वन मार्क्स के क्वेश्चन इस साल आएंगे जरूर ठीक है जरूर आएंगे उसके ऊपर मैं अब इतना बता सकता हूँ क्योंकि क्या है कि हमने देखा है कि वहाँ से सवाल आते हैं पिछले साल बहुत सारे हमने बताए टॉपिक्स और एज इट इज़ उसके ऊपर सवाल आए थे ठीक है नहीं पिछले साल का मेरा एक वीडियो आप देख लेना लाइव में ही ये वो बताया है ठीक है एक लाइव में मैंने क्या किया था वीडियो किया था जिसके वो फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड व्यूज़ आए थे उसमें मैंने बताया था सारी चीज़ें ठीक है कुंदन कैरी के सर यू आर द बेस्ट टीचर फॉर बायोलॉजी थैंक यू कुंदन डोंट वरी टेंशन नहीं लेना आपको बायो का मैं आपके साथ हूँ सिर्फ आपको पढ़ाई करना अच्छे से सर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए ठीक है चलो ठीक है चलो चलो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में कल के लाइव सेशन में कल हम दो मार्क्स के सवाल जो होंगे वो डिस्कस कर रहे होंगे ठीक है चलो फिर मिलेंगे कल के लाइव सेशन में